आपके पैर पे पीछे की तरफ वेरिकोज वेन है, आगे की तरफ भी है। पीछे जो ये छोटे छोटे वेन हैं, इसके लिए हम लोग फोम स्क्लेरोथेरेपी करेंगे। ये फोम स्क्लेरोथेरेपी बहुत इफेक्टिव होता है सुपरफिशियल वेनस डायलिटेशन के लिए, खासकर के जो लोग डिफेंस में जाने वाले होते हैं, छोटा छोटा वेन दिखता है तो उनमें इससे सुपरफिशियल वेन एकदम तुरंत ही खत्म हो जाता है। इसी पैर में पीछे की तरफ बहुत सारा वेन था जिसका फोम स्क्लेरोथेरेपी किए थे। इसका एक फोम स्क्लेरोथेरेपी के वीडियो भी हम लोग डाले थे आज से लगभग 10 दिन पहले, 15 दिन पहले। तो आज 2 वीक्स के बाद हम लोग देख रहे हैं, 2 वीक्स के बाद जैसे देख रहे हैं तो कोई भी वेनस प्रोमिनेंस नहीं दिख रहा है। और फोम स्क्लेरोथेरेपी करने से कभी कभी मार्क्स हो जाता है पर्पल सा ब्रूज की तरह, तो वो भी नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए हर वैसे पेशेंट्स को जिनको आर्मी डिफेंस में जाना होता है, हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि मिनिमम 10 डेज टाइम आपके पास होना चाहिए फोम स्क्लेरोथेरेपी से ट्रीट करवाने के लिए। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि काफ़ी सारा, मतलब कुछ केसेस में तो बहुत थोड़ा वेन होता है उसमें भी फोम स्क्लेरोथेरेपी करते हैं जब सेलेक्शन की बात होती है तो, लेकिन इनके केस में बहुत कम नहीं था, काफ़ी ज़्यादा था। और इससे ज़्यादा वेन रहने पे लेज़र ही ठीक करता है, लेकिन इनमें ये पीछे की तरफ जो पॉपलिटियल फोसा एरिया बोलते हैं इसको, राइट लेग में नी ज्वाइंट के अपोजिट वाले एरिया पे, जो पहले के वीडियोज़ में भी या फोटोज़ में भी दिख रहा है, तो उसमें काफ़ी सारा वेन था जिसका फोम स्क्लेरोथेरेपी और फिर आफ्टर 2 वीक्स ये कम्प्लीटली नॉर्मल हो चुका है। तो फोम स्क्लेरोथेरेपी बहुत इफेक्टिव होता है अगर प्रॉपर केस सिलेक्शन, मतलब जिसके लिए वो एडवोकेटेड है, जिसके लिए वो सुटेबल केस है फोम स्क्लेरोथेरेपी के लिए, उसमें रिजल्ट ऐसे ही मैराकुलस होता है, विदाउट एनी कट, विदाउट एनीथिंग, और रिजल्ट ऑप्टिमल अप टू द मार्क।